नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय के लेखांकन तथा उससे संबंधित कुछ शब्दावलियों को समझने का व्यवहारिक स्तर पर जो है प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय आय के से तात्पर्य जो है सामान्य स्थिति में अगर समझा जाए तो देश में जो है वस्तुओं और सेवाओं के जो है मौद्रिक मूल्य से होता है और उन्हीं जो है राष्ट्रीय आय के आधार पर हम विभिन्न क्षेत्रों में जो है खर्च करते हैं और इसके आधार पर जो है विकास और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम इसको जो है अर्थव्यवस्था के शब्दावलियों के संदर्भ में और थोड़ा सा जो है आर्थिक और तकनीकी रूप में समझने का प्रयास करें तो उसकी परिभाषा थोड़ी सी जो डिफरेंट होती है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में या अर्थव्यवस्था से तात्पर्य एक देश को भी हम ऐसा कह सकते हैं कि एक देश या एक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक निश्चित समय में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की जो है मौद्रिक मूल्य जो होता है वो वहां की राष्ट्रीय आय होती है। यानी कि इसमें कुछ अगर चीजों को देखें कि क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं तो ये कई इसमें कारक आते हैं। एक तो जैसे हमने इसकी परिभाषा बताया तो यह एक जो है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में होता है, अर्थव्यवस्था के जो है संदर्भ में होता है। दूसरा जो है एक निश्चित समय या वित्तीय वर्ष होता है। हम अर्थशास्त्र की जो है शब्दावलियों को जो है समझते हैं। तीसरा इसमें जो है अंतिम वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। चौथा इसमें जो है वस्तुओं सेवाएं सम्मिलित होती हैं। वस्तुओं सेवाएं सम्मिलित होती हैं और अगला है इनके मौद्रिक मूल्य के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। अब इसकी जो परिभाषा इसी से बन जाती है कि राष्ट्रीय आय से तात्पर्य एक अर्थव्यवस्था या देश के संदर्भ में एक निश्चित समय में या वित्तीय वर्ष में जो है उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो होता है वही जो है आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये इसी परिभाषा पर आधारित महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसमें कुछ और भी कंफ्यूजन हो सकते हैं जो इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। वो होता है कि जो है पुरानी वस्तुएं, क्योंकि पुरानी वस्तुओं का मूल्य उसी वित्तीय वर्ष में जोड़ लिया गया है तो ये नहीं होगा। तीसरी है घरेलू सेवाएं, घरेलू सेवाओं को इसमें जो है नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि इससे जो है अलग मूल्य का जो है सृजन नहीं होता है। चौथा है वित्तीय परिसंपत्तियों को इसमें नहीं जोड़ा जाता है, वित्तीय परिसंपत्तियों को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। अगला है अंतरण आय को इसमें नहीं जोड़ा जाता है, अंतरण आय को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। तो ये अब आपको राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित होता है और क्या नहीं सम्मिलित होता है ये चीजें आपको जो है समझ में आई। यद्यप अभी इससे संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जीडीपी जीएनपी और एनएनपी, उसको भी हम थोड़ा सा और तकनीकी रूप में समझेंगे, लेकिन अभी हम आपको केवल राष्ट्रीय आय की चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में या एक वित्तीय वर्ष में जो है उत्पादित समस्त अंतिम जो है वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो होता है वही राष्ट्रीय आय होता है और इसमें पुरानी वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता, घरेलू सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता, वित्तीय परिसंपत्तियों को सम्मिलित नहीं किया जाता और अंतरण आय वित्तीय परिसंपत्तियों से तात्पर्य अंश पत्र और ऋण पत्र से है क्योंकि इसके द्वारा जो चालू वित्तीय वर्ष में कोई आय सृजित नहीं होती है, उत्पादन नहीं होता, इसलिए इसको सम्मिलित नहीं किया जाता। अंतरण आय से तात्पर्य सरकार के द्वारा जो है किसी विशेष उद्देश्यों के लिए भुगतान की जाती है लेकिन उसके बदले कोई प्राप्ति नहीं होती, कोई वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं होता है। जैसे इसके अंतर्गत जो है आपकी जो है वजीफा हो गया या जो है पेंशन हो गया, ये सारी चीजें अंतरण भुगतान के अंतर्गत आती हैं। ये भुगतान हो जाती हैं उसके बदले में कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो ये बातें जो है रही आय राष्ट्रीय आय के जो है संदर्भ में। अब राष्ट्रीय आय के साथ साथ जो हम राष्ट्रीय आय लेखांकन को देखेंगे, राष्ट्रीय आय लेखांकन राष्ट्रीय आय लेखांकन राष्ट्रीय आय लेखांकन का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय आय से संबंधित जो विविध प्रकार के जो है आंकड़े तथ्य और सूचनाएं हैं जब उन्हें सांख्यिकीय विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और या उनको खातों के रूप में दिखाया जाए, खाते मतलब अकाउंट होते हैं अलग अलग प्रकार के, जब आप जो बजट पढ़ेंगे तब तो वहां पर ये चीजें आपको क्लियर होंगी आगे के लेक्चर में।
कि अलग अलग प्रकार के जो है अकाउंट होते हैं, राजस्व खाते होते, पूंजीगत और राजस्व, ये इस तरीके से कई चीजें होती हैं जो आपको बजट के सेक्शन में समझ में आएंगी। तो कहने का यहाँ तात्पर्य है राष्ट्रीय आय लेखांकन में कि किसी भी देश में जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों और सूचनाओं को जब हम सांख्यिकीय विवरण या खातों के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वो राष्ट्रीय आय लेखांकन कहा जाता है। राष्ट्रीय आय जो है लेखांकन कहा जाता है। अब इसके राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जिसे हम लोग यहां पे समझेंगे। इसके अंतर्गत जो है जीडीपी है, जीएनपी है और तीसरा जो है वो एनएनपी है। ये तीनों ही चीजें जो है राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलित होती हैं और इसी पर आधारित आपका राष्ट्रीय आय का पूरा जो क्लास डिपेंड करता है। तो जीडीपी, अब यहां पर हम इसको जो एक एक करके जो है समझेंगे। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, और ये होता है सकल, ये शब्द लिखना जरूरी है क्योंकि इसी पर आधारित इसकी व्याख्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और अगला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये तीन चीजें हैं यहाँ पे, एक शब्द सकल है, एक घरेलू है, इसी तरीके से इसमें भी सकल और राष्ट्रीय एक शब्द ये हो गया, और यहाँ पे जो है ये राष्ट्रीय शब्द यहाँ पे आ गया, शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे चार मूल शब्द, उत्पाद सभी में कामिल है यानी कि प्रोडक्ट की बात करता है, लेकिन इसमें ये तीन शब्द जो है, ये चार शब्द जो है, ये अपने में कुछ अर्थ को जो है शामिल करते हैं और उस अर्थ को समझना आवश्यक है। सकल, इसमें ग्रास, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रास, सकल में जो है सभी के द्वारा जो है, सभी लोगों के द्वारा जो है, इसमें सभी चीजों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो शुद्ध हो या जो है कुछ जो है इसमें ह्रास होता है, वो सारी चीजें इसमें जो सम्मिलित होती हैं। जैसे कोई भी अगर फर्म है, कोई भी उद्योग है, अगर वो काम करता है तो उस उद्योग के जो है मशीनरी सेक्शन में जो है कुछ ना कुछ मूल्य ह्रास होता रहता है, तो जब अगर हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं तब वही चीजें जो होती हैं वो सकल हो जाती हैं, लेकिन अगर हम उन जो है अशुद्धियों को या मूल्य ह्रास को या पूंजी स्टॉक के खपत को कम कर देते हैं तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, शुद्ध बन जाती हैं। तो कहने का मतलब सकल और शुद्ध में जो है यही अंतर होता है कि जब हम उसमें जो है मूल्य ह्रास या इस तरीके से पूंजी स्टॉक खपत को जो है ध्यान में नहीं रखते हैं तो वहां पर वह चीजें जो होती हैं वो सकल के रूप में होती हैं, लेकिन जब उसको घटा दिया जाता है तब वो शुद्ध हो यानी कि नेट हो जाती हैं। नेट का मतलब जो होता है शुद्ध होता है और सकल का मतलब ग्रास होता है। एक तो ये चीजें, दूसरा घरेलू और राष्ट्रीय से यहाँ पे अंतर है। घरेलू का तात्पर्य एक देश की जो सीमा के अंतर से है, अब उसमें जितनी भी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित होती हैं वो सभी जो है मिलकर के सकल घरेलू उत्पाद बन जाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें चाहे वो जो है देश के निवासियों या नागरिकों के द्वारा हो या जो है विदेशी लोगों के द्वारा हो, उससे इसका तात्पर्य नहीं होता है, बस केवल वो घरेलू सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। और दूसरा, जब इसमें से जो है भारत के लोगों को या अपने देश के जो है लोगों के जो है आय को केवल जोड़ा जाता है, चाहे वो देश के अंदर हो या चाहे बाहर हो, बाहर के हैं तो उनको ला करके जोड़ दिया जाएगा, और जो विदेशी लोग हैं उनकी आय को घटा दिया जाता है, तब वो राष्ट्रीय बन जाता है। घरेलू का मतलब एक देश की सीमा से हो जाता है, उस सीमा में चाहे जो हो, लेकिन राष्ट्रीय का तात्पर्य होता है वो देश के लोगों की केवल बात करता है, विदेशियों की बात नहीं करता है इसमें। इसीलिए यहाँ पर प्लस एक्स और माइनस वाई हो जाता है। प्लस एक्स का तात्पर्य जो देश के लोग हैं बाहर काम कर रहे हैं वो इनको ला करके इसमें जोड़ दिया जाएगा, और वाई माइनस वाई का मतलब जो विदेशी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाएगा। अब इसको अगर उदाहरण के रूप में भी जो है देखा जाए तो इस तरीके से जो समझा जा सकता है। एक उदाहरण है मोटा मोटा जिसे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर 1000 रुपए है, 1000 रुपए है
ये जीडीपी के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें इस बात की संभावना है कि 900 देश के लोगों के द्वारा हो और 100 रुपए जो है विदेशी कंपनियों के द्वारा जो है इसमें जो हो सकता है, विदेशी कंपनियां जो है बहुत सी हैं जो भारत में आकर के जो काम करती हैं या विदेशी लोग हैं जो यहाँ पे जो है इकोनॉमिक जो एक्टिविटी करते हैं, तो यहाँ के लोगों को तो उससे रोजगार इत्यादि मिलता है लेकिन वह आय जो है कहीं ना कहीं उनकी मानी जाती है। तो ये 100 रुपए जो है इसमें हो गया। अब ये चूंकि हम जब जीडीपी की बात कर रहे हैं तो घरेलू सीमा यानी कि एक देश की जो सीमा है इसी के अंतर्गत ये हो गया जीडीपी का आकार। अब इस बात की संभावना है कि देश के जो लोग हैं वो अगर बाहर काम कर रहे हैं और बाहर काम करने से उनको जो 50 रुपए की जो है कमाई हो जाती है, तो अब यहाँ पे हम जीडीपी जो बात करेंगे वो हमारा जो जीडीपी हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा, लेकिन जो जीएनपी हो जाएगा, जीएनपी यानी कि ग्रास नेशनल, यहाँ घरेलू है और यहाँ राष्ट्रीय हो गया, तो अब इसमें जो है चूंकि 100 रुपये जो था वो बाहर के लोगों को था और 50 रुपये जो यहाँ के लोग थे वो बाहर काम कर रहे थे, तो ये जुड़ जाएगा और ये घट जाएगा, यानी कि 1000 में जो है 1000 में प्लस होगा 50 और माइनस होगा 100, ये कितना हो गया 950, यानी कि 1050 हो गया और 100 जुड़ गया तो 950। अब आपका जीडीपी का आकार जो है वो 1000 हुआ और जीएनपी का आकार जो है 950 हुआ, अर्थात जो है ये जो जीएनपी का कांसेप्ट है वो आपकी अर्थव्यवस्था के एग्जैक्ट जो आंकड़े हैं, वास्तविक जो सूचना और आंकड़े हैं उसके काफी नजदीक जो है बनता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे जो समझ में आई होंगी। तीसरी तरफ है शुद्ध राष्ट्रीय। अब यहाँ पे जो 950 है हम ये मान करके चलते हैं कि अगर जो मूल्य ह्रास की जो अवधारणाएं जो होती हैं उसमें अगर ये देखा जाए कि 10% हम जो है प्रति वर्ष जो हमारी मशीनरी है मूल्य है इनके जो ह्रास को सम्मिलित कर दें तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, 10% यहाँ पे हम जो है इसको निकाल लेंगे तो 95 रुपया है ना। तो यहाँ पर जो है 10% इसका अगर हम निकाल लेते हैं तो 95 रुपये आपका आ जाएगा जो है डेप्रिसिएशन, यानी कि इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 95 रुपया। तो अब हम जब एनएनपी निकालेंगे तो एनएनपी जो है वो जो है जीएनपी से जो है माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, तो 950 माइनस जो है वो 95 रुपये यानी कि जो है 855। अब यह जो है 855 रुपये जो है आपका एनएनपी हो गया, यानी कि तीन प्रकार के आंकड़े मिलते हैं, एक तो जो है एक आंकड़ा ये मिलता है, दूसरा आंकड़ा ये मिलता है और तीसरा आंकड़ा आपका जो है ये मिलता है। अब जीडीपी जीएनपी और एनएनपी को जो है आप लोगों ने जो है समझ लिया होगा, इसी पर आधारित होती है यह डेटा। और अब आपने देखा कि एनएनपी जो है यही सबसे जो है शुद्ध चीज है जो प्राप्ति हो रही है, क्योंकि ह्रास को भी हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि एक निश्चित समय के बाद जो है वो मशीनें खराब हो जाएंगी और अर्थव्यवस्था में जो है उस पर भी एक ज्यादा निवेश करना होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे बजट से खर्च होगा। तो हम अगर शुद्ध आंकड़े के पास पहुंचते हैं तो यह एनएनपी होता है, और एनएनपी जो है यही देश के राष्ट्रीय आय के नजदीक होता है। इसमें दो और चीजें होती हैं, एफसी और जो है फैक्टर कास्ट होता है, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट होता है, यानी कि साधन लागत का जो मूल्य होता है, बाजार मूल्य होता है, साधन लागत का मूल्य होता है, तो साधन लागत की मूल्य एनएनपी एट फैक्टर कास्ट ही जो है आपका वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसको थोड़ा सा अभी हम इसके बाद समझेंगे, लेकिन ये देखना आवश्यक है कि जीडीपी जीएनपी और एनएनपी को आप लोग जो समझ चुके होंगे कि जीडीपी में जो है एक देश की सीमा के अंतर्गत जो है समस्त उत्पादित जो अंतिम वस्तुओं सेवाओं को मूल्य को सम्मिलित किया जाता है उसमें जो देश के लोगों या विदेशियों के उसमें कोई अंतर नहीं किया जाता, लेकिन जब हम प्लस माइनस कर देते हैं यानी कि जो है प्लस एक्स हो गया और माइनस वाई हो गया, इस चीज को जब कर देते हैं तो यहाँ पे एक्स का मतलब प्लस एक्स से मतलब देश के जो है लोगों के द्वारा जो बाहर में एक्टिविटी की जाती है उसको जोड़ दिया जाता है, और माइनस वाई का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो लोग बाहर से आकर के जो है काम कर रहे हैं उनकी आय को घटा दिया जाएगा, तो ये जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, और जब इसमें से हम ह्रास को घटा देंगे तो ये एनएनपी जो है हो जाता है।
तो इस तरीके से जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी, एनएनपी की जो है अवधारणा आप लोगों को जो समझ में आ गई होगी। अब यहां पर एनएनपी तक हम लोग पहुंचे थे, एनएनपी और हम दो बार एनएनपी लिख रहे हैं, एनएनपी एट जो है मार्केट प्राइस, एनएनपी एट जो है फैक्टर कास्ट, दो चीजें आ गई। ये आपका एनएनपी एट मार्केट जो प्राइस है वो एनएनपी एट फैक्टर कास्ट की अपेक्षा कुछ जो है उतार चढ़ाव वाले अवधारणा पर आधारित होता है। एनएनपी एट फैक्टर कास्ट का तात्पर्य ये हो गया कि जिन वस्तुओं और सेवाओं, यानी कि जो जब हम राष्ट्रीय आय का जो है आकलन करते हैं, गणना करते हैं, तो उसमें दो चीजें, दो अवधारणाएं आ जाती हैं। तो शुद्ध राष्ट्रीय जो उत्पाद है उसकी जो गणना जब उनमें खर्च होने वाले साधनों के आधार पर किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट, यानी कि साधन लागत। और जब जो है इन्हीं वस्तुओं को जो है मार्केट प्राइस पर देखा जाता है कि उनका, उन वस्तुओं का जो मार्केट में मूल्य क्या है उसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो एनएनपी एट जो है मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार मूल्य पर आधारित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। लेकिन इन दोनों में जो है हम इन्हीं को ही जो है राष्ट्रीय नेशनल इनकम जो है हम इसको ही क्यों मानते हैं, इसके पीछे की जो मंशा क्या है उसको हमें समझना होगा कि एनएनपी एट फैक्टर कास्ट यह एक स्थिर जो होता है और यही जो है एग्जैक्ट फिगर आपका देता है, जबकि एनएनपी एट मार्केट प्राइस में आपकी जो सब्सिडी और टैक्सेस शामिल होते हैं, इसमें जो है अप्रत्यक्ष कर जीएसटी वगैरह जो की बात है, जीएसटी सम्मिलित हो गई मान लीजिए तो उससे मूल्य बढ़ गया, लेकिन अगर सरकार कोई सब्सिडी दे रही है उससे मूल्य घट जाता है। तो इसलिए इसमें जो है कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की संभावना होती है और हम राष्ट्रीय आय का जो आकलन करने के लिए एनएनपी एट फैक्टर कास्ट को इसमें मूल रूप से जो है सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं। तो अब इसमें अगर हम एनएनपी मार्केट प्राइस से अगर यहां तक पहुंचना चाहते हैं नेशनल इनकम या एफसी तक, तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, इस मूल्य में जो है हम प्लस जो है अप्रत्यक्ष टैक्स, क्योंकि सब्सिडी जो दी जाती है उससे मूल्य उसका घट जाता है, तो सब्सिडी जो दिया जा रहा है उसको हम इसमें जोड़ देंगे और अप्रत्यक्ष कर के कारण से मूल्य जो बढ़ा था उसको हम घटा देंगे, तो ये चीजें जो है यही होकर के चली आएंगी, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट हो जाएगा। एनएनपी एट मार्केट प्राइस जो है उसमें से सब्सिडी निकाल देंगे, सब्सिडी को जोड़ देंगे और माइनस अप्रत्यक्ष कर को जो घटा देंगे तो वो चीजें एनएनपी एट जो फैक्टर कास्ट हो जाती हैं, क्योंकि इसमें जो साधन लागत पर मूल्य होता है और बाजार मूल्य पर जो एनएनपी होती है उसमें यही अंतर होता है सब्सिडी और अप्रत्यक्ष कर का। इसी कारण से हम इसकी तुलना में जो है इसको ज्यादा जो है अपनाने का प्रयास करते हैं, ये सबसे ज्यादा स्थिर होता है। तो इकोनॉमिक्स के इस जो लेक्चर में हम लोगों ने राष्ट्रीय आय की अवधारणा, उसमें क्या विशेषताएं हैं, उनमें क्या चीजों को सम्मिलित नहीं करते हैं उसको देखा, राष्ट्रीय आय लेखांकन को देखा और राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावलियों को जो देखने का इसमें जो प्रयास किया, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस के बीच में क्या अंतर होते हैं इसको देखा, और इन दोनों में जो हम राष्ट्रीय आय के रूप में किसे स्वीकार करते हैं और क्यों स्वीकार करते हैं इसको देखने का जो प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रीय आय से संबंधित ये अवधारणा आप लोगों को एकदम क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई समस्या है तो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, पुनः उस पर जो है कुछ ना कुछ चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में जो है राष्ट्रीय आय के कुछ अगले भाग को लेकर के मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।